नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक तरफ जहां विरोध की आग जल रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके पक्ष में सरकार का धन्यवाद देने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इंदौर में अब विधि के जानकारों ने नागरिकता संशोधन कानून के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। दरअसल संस्था न्यायश्री से जुड़े वकील बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम धन्यवाद पत्र प्रेषित किया। इस दौरान उन्होंने सीएबी का विरोध करने वालों पर देशद्रोह का प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग भी की। संस्था न्यायश्री के अध्यक्ष पंकज वाधवानी का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते विपक्षी दल जहां इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी कई लोग भ्रामक संदेश फैला रहे हैं, जिन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। हम सभी लोग संस्था न्यायाश्रय के सदस्य हैं और संस्था न्यायाश्रय के जितने भी सदस्य सब कानून से जुड़े हुए सारे सदस्यगण हैं। अनेक इसमें से अधिवक्तागण हैं, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं और हमारी संस्था जो है ये दोषपूर्ण कानूनों के खिलाफ कार्य करती है और सकारात्मक कानून जो हैं उनके लिए हम हमेशा सरकार से मांग करते आए हैं। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन विधेयक पारित किया है उसके लिए हम सभी यहाँ केंद्र सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सभी सदस्य यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। माननीय संभागायुक्त महोदय को हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम से आज ये धन्यवाद ज्ञापित किया है और साथ में एक मांग पत्र भी दिया है कि ऐसे लोग जो इसका राजनीतिक आधारों पर विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ द्वेषद्रोह का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए और ऐसे लोग चिन्हित किए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है ये कानून पूरी तरीके से जो धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हमारे अल्पसंख्यक जो तीन देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उनको शरण देने का यह कानून है। इसमें किसी भी प्रकार से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है, लेकिन कई लोग इसमें भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो इस भ्रम की स्थिति को दूर किया जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, ये भी हम लोगों ने मांग की आज। देखिए, सोशल एक्ट में वर्तमान में धारा 144 लागू ही है और धारा 144 में इस प्रकार के भ्रामक संदेश यदि कोई भी सोशल मीडिया दे रहा है तो धारा 188 भारतीय दंड संहिता के तहत वो उसे यूं ही दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी संस्था के सदस्य हैं, यदि कोई ऐसा भ्रामक मैसेज अगर मिलता है तो उसकी हम जिला प्रशासन को समय समय पर शिकायत करते रहते हैं।